नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुशील, एक जीवन यात्री, और आपको ले चल रहा हूं जीवन की एक अनुपम यात्रा पर। जी हां, आइए बने रहिए मेरे साथ। आज हम चल रहे हैं एक अति दर्शनीय रमणीय धार्मिक स्थल पर। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सिल्लेवानी गांव। आगे की यात्रा में दोस्तों, सिल्लेवानी गांव के बाद हम लेंगे सिल्लेवानी घाट का भरपूर आनंद। यह एक बहुत शानदार घाट है जो नेशनल हाईवे नंबर 547 या 26B, जिसे स्टेट हाईवे 19 भी कहते हैं, उस पर पड़ती है। और इसी के बाद हम पहुंच जाएंगे अपने मंजिल पर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस मार्ग पर हम इस समय हैं, ये मध्य प्रदेश के सबसे लंबे राज्य मार्ग का हिस्सा है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के सबसे लंबे सड़क मार्ग स्टेट हाईवे नंबर 19 के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए आई बटन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके उस वीडियो का आनंद लीजिए और मध्य प्रदेश के सबसे लंबे राजमार्ग की जानकारी हासिल करिए। और बने रहिए मेरे साथ, आगे हम मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ एक भव्य मंदिर के। और देखिए, हम पहुँच गए हैं बहुत ही सुंदर विहंगम स्थान पर। यह है बंजारी माता का मंदिर, छिंदवाड़ा से नागपुर मार्ग पर, और एक हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। तो हम भी यहाँ रुकेंगे और माता जी के चरणों में अपना माथा टेक कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आइए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है छिंदवाड़ा से नागपुर का राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग नंबर 19 और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 547 547। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग 547 पर है यह बंजारी माता का मंदिर, और इसे वन देवी का मंदिर भी कहा जाता है। और यह जो बंजारे होते हैं, बंजारे आप हम सब जानते हैं, जो एक स्थान पर नहीं टिकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं, तो उनकी कुलदेवी हुआ करती थी वन देवी। तो वन देवी का मंदिर है ये, और ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में जो बंजारे एक स्थान से दूसरे स्थान आते थे, तो जब कभी रात में कहीं रुकते थे तो उनको एक अनिश्चित भय सताता था कि वनों में, जंगलों में जो जंगली जानवर हैं वह उनका नुकसान कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ जो लुटेरे हैं इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देकर के भी उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए इस प्रकार की अपनी कुलदेवी की वो पूजन पाठ और आराधना किया करते थे। और धीरे धीरे चलते चलते इन मंदिरों में आस्था बढ़ती गई लोगों की, और लगभग हर प्रकार, हर जगह घाटों पर आप बंजारी माता के मंदिरों को देखेंगे, जिन्हें वन देवी का मंदिर भी कहा जाता है। चलिए इस मंदिर के अंदर हम चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और दोस्तों, मंदिर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, एक दक्षिण भारतीय शैली का पुट आपको इसमें दिखाई देगा, वैसा ही रंग बिरंगा इसका शिखर है। और देखिए, शिखर पर पताका लहरा रही है। आदिशक्ति माँ बंजारी माता मंदिर ग्राम आंवला में यह स्थित है। और मंदिर में देखिए, मंदिर पहुँचे और मंदिर की घंटियाँ ना बजाएं तो वो सुख ही नहीं प्राप्त। पंडित जी प्रणाम। ये मंदिर के मुख्य पुजारी हैं राघव प्रसाद द्विवेदी जी। तो पंडित जी से हम निवेदन करेंगे कि माता जी के संबंध में और मंदिर के संबंध में हमारे दर्शकों के लिए और छिंदवाड़ा शहर वासियों के लिए कुछ जानकारी दें। पंडित जी, मंदिर बहुत प्राचीन है, मंदिर का स्थान जो है बहुत प्राचीन है। से कोई भी मन्नतें अगर करते हैं
वो यहाँ से पूर्ण होती है। माँ भगवती की कृपा से यहाँ माता जी के सवाई। आइए चलिए करते हैं मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश और पुजारी जी से लेते हैं जानकारी। ये माँ भंडारी का प्राचीन स्थान है, यहीं से माता जी की उत्पत्ति हुई है। ये नव रूप में जो है इनकी जो है ये माँ विराजमान है और माता भंडारी जो है नव रूप में यहीं से प्रकट होती है। ये बहुत प्राचीन स्थान है, ये 200-400 वर्ष का ये स्थान है। यहाँ से जो भी भक्त आते हैं, यहाँ अगर कोई भी मन्नत करते हैं वो पूर्ण होकर जाते हैं। और सभी की माँ लक्ष्मी जी की जो है स्थापित है, ये माँ दुर्गा जी हैं, ये माँ सरस्वती हैं, पीछे नव देवियाँ जो है नव परिक्रमा में है, प्रदक्षिणा में है जी। उनके माँ भगवती के मंदिर के पीछे जो है माँ काली जी हैं जी जी जी। सामने जो है भैरव जी है जी हैं, इनके साइड में जो है राधा कृष्ण जी हैं जी। फिर उनके साइड में जो है शिव जी हैं, शिवलिंग है। फिर उनके बाद जो है उनके साइड में जो है राम सीता लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, विराजमान हैं। तो साथियों देखिए, माँ भगवती, माँ दुर्गे, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के हमने दर्शन किए और ये आप देख पा रहे हैं नीचे जो प्राचीन 400-500 साल पुरानी मूर्ति जो पंडित जी हमें बता रहे हैं, बंजारी माता, बंजारों की कुलदेवी। तो मैया को हमारा प्रणाम, करबद्ध साष्टांग दंडवत प्रणाम। और भगवान श्री गणेश सर्वप्रथम परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले आपको दर्शन होंगे भगवान श्री गणेश के। आप आगे बढ़ेंगे, ये माँ भगवती माँ शैलपुत्री के दर्शन होंगे आपको। यहाँ पर आपको दर्शन होंगे माँ ब्रह्मचारिणी के, ये है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ चंद्रघंटा पे माँ मनसा देवी के, माँ कुष्मांडा देवी, ये हैं माता स्कंद माता, माँ कात्यायनी देवी, ये हैं माँ कालरात्रि, माँ महागौरी। हाँ, हमारी परिक्रमा पूर्ण होगी, वहाँ पर विराजी हुई हैं माँ सिद्धिदात्री। परिक्रमा पूर्ण करने के पहले आइए माँ काली जी के भी दर्शन हम आपको करवाते हैं पीछे की ओर। ये देखिए, ये जहाँ मंदिर के पीछे वाले हिस्से में माँ महाकाली को विस्थापित किया गया है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस वक्त है अंधेरा, इस कारण हम उतना अच्छा नहीं देख तो ये मंदिर है, धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और आज इस भव्य रूप में है। इस मंदिर के ठीक सामने में भगवान भैरवनाथ का मंदिर है, सामने आप देख रहे हैं। और ये धर्मशाला बनी हुई है जहाँ पर ये अपने जो शहर के आसपास के श्रद्धालु जिनकी आस्था है, उन्होंने यहाँ पर ये धर्मशाला बनवाई हुई। यहाँ पे लोग विभिन्न प्रकार के अपने धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एकत्रित होते हैं, माता में अपना आस्था और विश्वास प्रकट करते हैं। तो आइए आप और हम दर्शन करते हैं भैरव बाबा के और फिर आगे के सफर पर चलेंगे। तो ये है भगवान भैरव बाबा का मंदिर, बंजारी माता के मंदिर के ठीक सामने आपको दर्शन कराते हैं। कहा भी जाता है माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शनों का लाभ अवश्य लें। और यह है वह भव्य मंदिर। और नवरात्रि में दोस्तों यहाँ की छटा देखने लायक ही होती है। एक तो रमणीय प्राकृतिक वातावरण है और यहाँ पर नवरात्रि में धूम होती है, भक्तों का तांता लगा होता है और यहाँ भागवत का आयोजन भी किया जाता है नवरात्रि के पर्व के अवसर पर। तो वन देवी माँ बंजारी माई की जय जयकार हो, आपका आशीर्वाद सही भक्तों पर सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ चलिए आगे चलते हैं। और आपको छोटा सा एक पीछे यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक नाला बहता है। और देखिए दोस्तों, आज प्रबोधिनी एकादशी भी है जिसे हम ग्यारस भी कहते हैं, तुलसी विवाह भी है, तो उसके लिए विक्रय हेतु गन्नों का आगमन भी मंदिर के सामने हो गया है। तो आप सभी को प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह, ग्यारस की हार्दिक शुभकामनाएं।
माता रानी अपना आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर सदैव बनाए रखें। देखिए बैठने की व्यवस्था भी है और जंगल है तो बंदर भी हैं, तो यहाँ कुछ निर्देश हैं लोगों के लिए कि बंदरों को कुछ खाने के लिए न दें। हाँ, बंदरों को खाने के लिए कुछ ना दें। ये देखिए पीछे में कितना सुंदर, मैं आपसे कह रहा था ना प्राकृतिक वातावरण है, रमणीय स्थल है। ये चाय की दुकान चलाते हैं अपने भैया, क्या नाम है आपका? सुदामा धुर्वे जी, चाय पिलाते हुए अपने ग्राहकों को। और देखिए ये काले मुंह के बंदर नारियल खा रहे हैं भैया, और देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आपकी तस्वीर ले रहे हैं। हाँ, अच्छी सेल्फ फोटो आएगी। दोस्तों एक बात तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि पिकनिक मनाने के लिए एक अच्छा स्थान है, एक दिन यहाँ आकर के पिकनिक मनाई जा सकती है, तो ज़रूर आएँ, माता रानी के दर्शन भी करें, है ना। तो दोस्तों यह है वह भव्य बंजारी माता का मंदिर, वन देवी का मंदिर, जो छिंदवाड़ा से नागपुर मार्ग पर छिंदवाड़ा शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके दर्शन हमने अभी किए। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। जो चैनल में पहली बार हैं वो मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साह बढ़ाएं, और बने रहिए मेरे साथ, अगली बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय।